पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने 20 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो देखना है, ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू किल ए जर्म। ए सब्सटेंस ने एक पदार्थ विच इज यूज्ड, जिसका कि हम यूज्ड ने उपयोग करते हैं टू किल एने मारने के लिए, ए जर्म ने रोगाणु को मारने के लिए। तो एक ऐसा पदार्थ जिसका हम यूज करते हैं रोगाणुओं को मारने के लिए, उसे कहते हैं जर्मिसाइड। जर्मिसाइड यानी रोगाणु नाशक। जर्म से ही जो है ये शब्द बना है, जर्मिसाइड। ए सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वाउंड फ्रॉम जर्म्स। एक ऐसा पदार्थ विच प्रिवेंट, जो रोकता है वाउंड यानी घाव होने, घाव को रोकता है फ्रॉम जर्म्स यानी रोगाणु से होने वाले घावों को रोकता है। तो ऐसा पदार्थ जो रोगाणु से होने वाले घाव को रोकता है वो पदार्थ होता है एंटीसेप्टिक, यानी कि रोगाणु रोधी। तो एंटीसेप्टिक जो क्रीम है वो हम घाव पर लगाते हैं ताकि जम से घाव ना हो। अगला है 23, ए स्वेलिंग पार्ट ऑफ ए बॉडी। ए स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी होता है सूजन होना, और पार्ट ने हिस्सा, ऐसा हिस्सा बॉडी ने शरीर का जहां पर सूजन होती है उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। बॉडी में जो सूजन आती है उस चीज को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, यानी कि सूजन। इन्फ्लेमेशन का अर्थ ही होता है सूजन। आगे देखेंगे, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेशलिस्ट हो, दक्ष हो, विशेषज्ञ हो चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के मैटर में, यानी प्रसव करवाने के जो मैटर में या प्रसव करवाने का जो मामला है उसमें अगर कोई दक्ष व्यक्ति है तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा ऑफ्टेरिसियन, यानी कि प्रसूति विशेषज्ञ। इसका एक और हम शब्द जो बना सकते हैं वो होता है एकोचियर। एकोचियर जो शब्द है वो ऑफ्ट्रेसियन के बराबर ही अर्थ देता है। तो अगला देखेंगे, ए स्पीच या स्टेटमेंट विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा भाषण या एक ऐसा कोई कथन जो कि डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के दिया जाता हो, उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी के दिया गया भाषण। एक्सटेम्पोर यानी ए स्पीच स्टेटमेंट विच इज डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसा कथन या एक ऐसा भाषण जो कि बिना किसी तैयारी के या थोड़ी बहुत तैयारी के दिया जाता है, उसे एक्सटेम्पोर कहा जाता है। आगे देखें, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिसीज। एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेशलिस्ट हो, यानी विशेषज्ञ हो, किसका? बोन डिसीज, हड्डियों की बीमारियों का, हड्डी संबंधित जो बीमारियां हैं या हड्डी संबंधित रोग हैं उनका जो विशेषज्ञ होता है उसको अपन ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ। जो अस्पतालों में हम जाते हैं तब ये बोर्ड लगा हुआ भी देखते हैं ऑर्थोपेडिस्ट वगैरह का, तो वो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। आगे देखें, ए वुमेन हु इज स्पेशलिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक ऐसी औरत जो कि स्पेशलिस्ट हो, दक्ष हो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंगों के बारे में, यानी प्रजनन अंगों की विशेषताएं या उस कार्य क्षेत्र में वो दक्ष होती है, जिसे हम प्रोक्रिएटिव ऑर्गन्स के बारे में भी कह सकते हैं, प्रजनन अंगों के बारे में, तो उस विशेषज्ञ को हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये भी हम हॉस्पिटल में आराम से देख सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो होती है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ के बाहर ये जो प्लेट लगी रहती है उसका अर्थ ही होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। आगे देखेंगे हम 27 के बाद, 28, इसमें जो कहा गया है, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज। एक ऐसा व्यक्ति जो कि विशेषज्ञ हो इन हार्ट डिसीज, यानी दिल की बीमारियों का, डिसीज यानी बीमारियां होती है, दिल की बीमारियों का जो विशेषज्ञ होता है
उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ये जो कार्डियोलॉजिस्ट शब्द है वो कार्डियक शब्द से बना है। कार्डियक का अर्थ होता है हृदय संबंधी, और कार्डियोलॉजिस्ट ने हृदय रोग संबंधी जो विशेषज्ञ होता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे देखेंगे, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट ने दक्ष हो नर्वस सिस्टम ने, तंत्रिका तंत्र का जो सिस्टम ने प्रणाली होती है, तंत्रिका तंत्र की जो प्रणाली होती है या स्नायु संबंधी प्रणाली होती है, उस व्यक्ति को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि तंत्रिका विशेषज्ञ जी। बिल्कुल, जो नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी रखता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट ने तंत्रिका विशेषज्ञ कहते हैं। तो देखना है अगला, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिसीज, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दक्ष हो या विशेषज्ञ हो चाइल्ड डिसीजेज, बच्चों से संबंधित पाई जाने वाली बीमारियों को जो जानता है या विशेषज्ञ है उनके बारे में, वो डॉक्टर जो होता है या से देखने वाला विशेषज्ञ पेडियाट्रिशियन कहलाता है, यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ। जो बच्चे बीमार हो जाते हैं हम लोग उन्हें जो छोटे डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, छोटे बच्चों के जो डॉक्टरों के पास ले जाते हैं वो पेडियाट्रिशियन ही होते हैं, जो बच्चों के लिए ही स्पेशलाइज्ड होते हैं और बच्चों के बारे में ही दक्ष होते हैं। आगे देखेंगे, रिमाइंडर ऑफ समथिंग, किसी चीज का याद दिलाना, रिमाइंडर है ना, याद दिलाना किसी चीज को, समथिंग है ना किसी चीज को, उसे हम कहते हैं मोमेंटो। मोमेंटो ने होता है यादगार। आगे देखेंगे, ए पर्सन हु एग्जामाइंस टीथ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एग्जामाइंस ने निरीक्षण या परीक्षण करता हो, टीथ है ना दांतों का, तो आपके दांतों को देखने वाला जो व्यक्ति होता है जो, वो डेंटिस्ट कहलाता है ना, दंत चिकित्सक। जब आपको दांतों में दिक्कत होती है तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं। आगे देखें, ए पर्सन हु एग्जामाइंस आई साइट एंड सेल्स ग्लासेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कि निरीक्षण करता हो आई साइट्स का, यानी कि आपकी जो आई विजिबिलिटी है, आपको आँख से कितना दिख रहा है उसका जो निरीक्षण करता है वो ऐसा व्यक्ति, और जो उसके साथ साथ में सेल्स ग्लास ग्लासेस, और किसको बेचता है, सेल्स है ना बेचता है, ग्लासेस है ना चश्मों को बेचता है, तो जो आपकी नेत्र का परीक्षण करके चश्मों को जो लगाता है, चेक करता है और बेचता है आपको, तो आपके लिए वो ऑप्टिशियन कहलाता है। ऑप्टिशियन है ना नेत्र दृष्टि जांच कर चश्मा बनाने वाला या बेचने वाला व्यक्ति। तो हम लोग जब चश्मा बनवाने जाते हैं तो ऑप्टिशियन के पास ही जाते हैं। आगे देखेंगे, ए सेट ऑफ सेल्फ विच इज यूज्ड टू कीप प्लेट्स डिशेस क्लॉथ्स ईटीसी, एक सेट ऑफ सेल्फ, अलमारियों का जो सेट होता है विच इज यूज्ड, जिसका हम उपयोग करते हैं टू कीप प्लेट्स, उसमें प्लेट रखने के लिए, डिशेस दस्तरियां रखने के लिए, और क्लॉथ्स कपड़ों को रखने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे कपबोर्ड यानी अलमीरा कहते हैं जी। बिल्कुल, अपन जो किचन में लगा लेते हैं और जो अपनी अलमारी भी है वो भी कपबोर्ड अपन कह सकते हैं उसे, लेकिन अधिकतर जो है वो प्लेट डिशेस के लिए जो है उसको यूज किया जाता है कपबोर्ड को। आगे देखेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक स्टडी यानी पढ़ाई ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग यानी जीवित और ऑर्गेनिज्म यानी क्रिएचर, यानी जीवित प्राणियों के बारे में जो स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, उसके अंदर आप मनुष्यों, जीवों और पेड़ पौधों और जितने भी जीवित हैं जो, उन सभी की आप स्टडी उसी के अंदर करते हैं। आगे देखें, ए पर्सन हु स्टडीज लिविंग ये तो हो गया अपना स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब सिर्फ विशेष तौर पर पौधों की जो स्टडी करना, पढ़ाई करना जो होती है वो बोटनी कहलाती है, यानी वनस्पति शास्त्र। बायोलॉजी में जो है वो एक अलग से जो सब्जेक्ट है स्पेशल, अगर पौधों के बारे में जो जानकारी लेना वो बोटनी कहलाती है। अच्छा, ये अपना 36 वाला थोड़ा छूट गया, इसको भी देखना है। ए पर्सन हु स्टडीड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा व्यक्ति जो
जीवित प्राणियों के बारे में अध्ययन करता है उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजी से ही ये शब्द बना है, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट ने जीव विज्ञानी। आगे देखेंगे, ये हमने कर ही लिया है। 38 वाला देखेंगे, ए पर्सन हु स्टडीड प्लांट्स। अब इसमें तो बताया गया था स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों की या वनस्पतियों का जो अध्ययन होता है वो बोटनी कहलाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो वनस्पतियों का अध्ययन करे, पौधों का अध्ययन करे, वो व्यक्ति कहलाता है बोटनिस्ट। बोटनी से ही ये शब्द बना है, बोटनिस्ट ने वनस्पति शास्त्री। आगे देखेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बारे में जो स्टडी पढ़ाई करी जाती है वो जूलॉजी के अंतर्गत करी जाती है, जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। ये भी बायोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट है। और इसके बाद आगे देखेंगे, ए ग्रुप ऑफ सिप, ए ग्रुप ऑफ सिप यानी कि जो जहाज होते हैं उनका जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको हम फ्लीट कहते हैं। फ्लीट यानी बेड़ा, तो जो जहाज होते हैं उनके समूह को हम बेड़ा कहते हैं। इससे आगे के हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा।